मैच थे वो मैच आगे बढ़ी और आज गालिबन में तीसरा बड़ा मौका है जब हम सिटीजनशिप पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछले दिनों जो मोदी गवर्नमेंट टू फेज टू आने के बाद जो अमेंडमेंट होने लगा था ऐसा ये मैंने महसूस किया है कि ये सारे अमेंडमेंट लगभग किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे जहां हमें लेकर आते हैं वो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है कि गवर्नमेंट जो है एस्टेट मशीनरी जो है वो सिटीजनशिप के आइडिया को शेडी करना चाहती है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, हमारे मेहमान इसके लिए मौजूद हैं। मैं सीधे सीधे अपने पहले मेहमान ब्रदर फवाद शाहीन से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे बीच में और हमसे खिताब करें। ब्रदर फवाद शाहीन नेशनल सेक्रेटरी ऑफ साइबर डिफेंस। दादा सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का एहसास करने के लिए और यहाँ शामिल होने के लिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क की पार्लियामेंट में बिना डिबेट के टेबल ठोक के और नारे लगा के कानून बनाने जाते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सिविल सोसाइटी उस डिबेट के वैक्यूम को फिल करना शुरू करे। और इसी ट्रेडिशन को मैं यहाँ जिंदा देख रहा हूँ और अलीगढ़ का ये इम्तियाज भी रहा है, इसके सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और पहले ही मुबारकबाद इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मोदी 2.0 सेकेंड मोदी गवर्नमेंट का जो पहला धुआंधार पार्लियामेंट्री सेशन था। रोजाना दर्जनों के हिसाब से बिल इंट्रोड्यूस होते थे, पास होते थे, एक हंगामा थे, पार्लियामेंट का इंप्रेशन देने की कोशिश की गई है। इस मोदी 2.0 में अगले 5 साल के पूरे काम का ब्लूप्रिंट दिखाया गया और उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए हैं जिसका पूरे मुल्क के इस वक्त स्कोर्स पे, पूरे मुल्क के मूड पे उसका असर है। इसीलिए हम लोग कुछ पहलुओं पे उसके आज डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। पहले स्पीकर के तौर पर उनसे दरखास्त की गई है खासकर आर्टिकल 317 और उसके चारों तरफ जो लार्जर सिटीजनशिप का क्वेश्चन है उस पर कुछ गुफ्तगू करने के लिए। और आर्टिकल 370 पे और कश्मीर के मुद्दे पे मुझे यकीन है यहाँ कश्मीर के भी कई भाई मौजूद होंगे, आप लोगों ने बहुत सारी बहस पहले से सुनी होगी, बहुत सारी बात सुनी होगी, किसी के लिए भी ये मुद्दा नया नहीं है। इसीलिए मैं बिल्कुल शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूँ, आर्टिकल 370 पे जो हुकूमत ने कदम उठाया है उसका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत वजाहत के साथ मैं इसको बयान करना चाहूंगा। 370 का जो एलिजिबली जो एब्रोगेट किया है गवर्नमेंट ने इसका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं जानते हुए कह रहा हूं कि इस कदम के बाद कश्मीर ने एक ह्यूमन कॉस्ट झेला है, इस बात से हम आगाह हैं। एक पूरे स्टेट को ओपन प्रिजन में तब्दील कर दिया गया है, हजारों की तादाद में लोग जेल में हैं, डेली बेसिस पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है, बहुत तरह तरह की खबरें आ रही हैं। प्रोटेस्टर्स के साथ जो हो रहा है वो इंडियन मीडिया में दिखाया तक नहीं जा रहा, लेकिन फिर वो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क इस बात से आगाह है कि कश्मीर ने एक ह्यूमन कॉस्ट झेला है। कुछ लोगों ने इसे कंडेम किया है, कुछ लोगों ने बदकिस्मती से इसको सेलिब्रेट भी किया है। ये बात जानते हुए, ये ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट जानते हुए भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि 370 पे जो लीगल कदम उठाया गया उसका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। ये हम क्यों कहते हैं? आप सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो पूरा प्रोपेगेंडा किया गया था एक दिन अचानक से 5 अगस्त को अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि 370 अब खत्म हो गया और फिर पब्लिक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कहा गया हुकूमत ने 370 को एब्रोगेट कर दिया। यही लैंग्वेज पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में कैरी हुई कि 370 को एब्रोगेट कर दिया गया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से उसको हटा दिया गया। ये अपने आप में एक मिस इन्फॉर्मेशन है, एक डेलिबरेट लाइ। 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म नहीं किया गया, अभी भी 370 कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करने के लिए एक अमेंडमेंट लाना पड़ता है जो पार्लियामेंट ने नहीं किया। 370 के अपने प्रोविजन में क्लॉज 3 और 4 अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये प्रोविजन था कि इसको इनऑपरेटिव कर दिया जाए यानी कि इसका जो इफेक्ट है उसको खत्म कर दिया जाए। तो जिस वक्त 370 आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था उसी वक्त से उसके अंदर ये प्रोविजन मौजूद था कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनऑपरेबल बना सकती है और आज वही किया गया है जिससे एक एब्रोगेशन की तरह सेलिब्रेट किया गया।
ये क्यों सेलिब्रेट किया गया ऐसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप मेरे साथ अगर मेरा साथ दीजिए और सबर कीजिए तो हम थोड़ी देर इसकी कानूनी तकनीकियों पे बिताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि ये कोई लॉ सेमिनार नहीं है, लेकिन थोड़ी देर इस पे हमें बिताना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है। आर्टिकल 370 के अंदर एक पहले से प्रोविजन मौजूद था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कंसल्ट करके उसके इफेक्ट को खत्म कर सकते। अब इसके मतलब को समझने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, क्योंकि आई एम श्योर आप में से कई लोग जानते होंगे कि कश्मीर जब इंडिया का पार्ट बना तो एक अग्रीमेंट के थ्रू बना। कश्मीर के राजा ने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक अग्रीमेंट, एक मुहायदा साइन किया जिसके रहते वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने। उस मुहायदे की बहुत सारी शरायत थी, नौ क्लॉजेस थे उसमें, जिसमें यह बहुत साफ था कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें छोड़ के कश्मीर के सारे इंटरनल मैटर्स पे कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी, जो कि वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, वही फैसला लेगी। और कश्मीर में अपना खुद का आईन, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, अपना खुद का झंडा तिरंगे के साथ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मेंटेन करने का उसमें क्लॉज मौजूद था, और इस हद तक मौजूद था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन को तरजीह होगी। ये सारी चीजें एक हिस्ट्री की बात है जो इस बैकग्राउंड 370 का आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया वो उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह देने के लिए लाया गया था, वो उसका ओरिजिनल इंटेंट था। उसके बाद से जो 370 की दास्तान है वो कुछ और है। कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कुछ ही साल में खत्म कर दिया गया, वहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई इंडिया के बाकी स्टेट्स की तरह, कश्मीर में एक सदर रियासत हुआ करता था, वो सदर रियासत की पोजीशन को खत्म करके एक गवर्नर ले आया गया, बेसिकली बाकी इंडियन स्टेट्स की लेवल पे उसके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को ले आया गया। और उसके बाद 370 का पिछले 70 सालों में असल में अगर आप 370 को देखिए तो इसका कश्मीर के लिए कोई स्पेशल स्टेटस 370 ने मेंटेन नहीं किया, बल्कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसको डाइल्यूट करने के लिए इंडियन स्टेट ने हमेशा 370 को यूज किया। 370 के अपने प्रोविजन को यूज करते हुए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कवानी, इंडिया के मुख्तलिफ कवानी और कई अफ्सपा जैसे कानून, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कानून कश्मीर में लागू किए गए इसी 370 के थ्रू। तो पहले से ही आर्टिकल 370 दरअसल जो प्रोपेगेंडा है और जो पॉपुलर ओपिनियन है उसके पर अक्स ये कभी भी कश्मीर का स्पेशल स्टेटस नहीं देता था, बल्कि जो ओरिजिनल मुहायदा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर के बीच उसको डाइल्यूट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा 370 को यूज किया। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अभी जो अमेंडमेंट भी नहीं लाया, अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए से आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव बना दिया। इसके अंदर भी लीगल डिबेट्स है, सुप्रीम कोर्ट उन डिबेट्स में जाएगा। डिबेट ये है कि क्या गवर्नर का एसेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का एसेंट एक ही चीज है, इस तरह के बहुत सारे तकनीकी इश्यूज हैं, लेकिन सारे इंडिकेशन ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई जल्दी में नहीं है और आज या कल में कोई ऑर्डर नहीं पास करने वाला है। अभी भी जो 14 पिटिशंस दाखिल हुई हैं इस पूरे दो बिल जो आए थे कश्मीर पे उनके खिलाफ जो 14 पिटिशंस दाखिल हुई हैं अभी भी सबको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उसमें डिफेक्ट निकाले जा रहे हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले में कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई है। तो जो तकनीकी मामला थे जिसपे के जो डिफेक्ट थे जिसपे कि इसको चैलेंज किया जा सकता था, अभी तो नहीं लगता है कि उनकी बेसिस पे कोई चैलेंज फिलहाल सक्सेसफुल होगा। मगर दो चैलेंजेस असाइड, अगर आप वो चैलेंजेस को रख भी लें तो किसी ना किसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली को भी इस तरह से लाया जा सकता है कि उसमें एक प्रो इंडिया मेजोरिटी हो, गवर्नर भी ऐसा बिठाया जाता है जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इसलिए 370 के अंदर ही इतना स्कोप और इतनी इलास्टिसिटी रखी गई थी और उसका पिछले 70 साल में जिस तरह का उसे इस्तेमाल किया गया है तो उसमें इतनी गुंजाइश पहले ही बना दी गई थी कि ये सारे तकनीकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लीगल डिफिकल्टीज हैं, उनको राइड ओवर किया जा सके, उनको पूरी तरह से बुलडोज किया जा सके। उसके बाद फिर सवाल आता है कि अगर कश्मीर का ये स्पेशल स्टेटस नहीं था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या, हमारी सरकार क्या कह रही है कि कश्मीर में हिंदुस्तान के कानून लागू नहीं थे और कश्मीर में बहुत सारे कश्मीर में महिलाओं को लेकर के बहुत, हमेशा जब भी इस तरह का कोई एक्शन होता है तो बात महिलाओं की जाती है। और यहां पे भी कहा गया कश्मीरी वुमेन के राइट्स के लिए 370 को खत्म करना बहुत जरूरी था। और बहुत सारे पॉपुलर मिथ्स हैं
जो कश्मीर के बारे में और कश्मीर के लॉ के बारे में कई सालों से फैलाए जा रहे हैं और हम लोग भी उनको फैक्ट की तरह मानते हैं। मसलन एक मिथ के अगर कोई कश्मीरी औरत अपने स्टेट के बाहर किसी से शादी करती है तो उसके सारे हुकूम प्रॉपर्टी में खत्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक फैक्ट की तरह प्रोपेगेट किया गया है पूरे मीडिया में और ये पूरी तरह से एक मिथ है। सच्चाई ये है कि अगर आप आर्टिकल 35A का आप टेक्स्ट देखते हैं और कश्मीर के अपने जो कस्टमरी लॉज है, क्योंकि कश्मीर में जो पर्सनल लॉ है इनहेरिटेंस का और मैरिज वगैरह से रिलेटेड, वो उनके कस्टमरी लॉज से गवर्न होता है। तो अगर आप वो दोनों को साथ में मिला के देखिएगा तो उसका इफेक्ट ये है कि अगर कोई कश्मीरी औरत स्टेट से बाहर शादी करती है तो उसका जो शौहर है बिकॉज ऑफ ही इज नॉट अ कश्मीरी रेजिडेंट, उसे उसकी प्रॉपर्टी में कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। जो कश्मीरी औरत है उसे पूरा पूरा हम मिलेगा अपने बाप की प्रॉपर्टी में, उसके हस्बैंड को वो राइट नहीं मिलेगा। तो ये पूरी तरह से एक मिथ क्रिएट करके फैलाया गया, एक मिस रिप्रेजेंटेशन फैलाया गया जो कि बिल्कुल आम हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया। उसी के साथ एक मिथ है कि कश्मीर में राइट टू एजुकेशन नहीं है, कश्मीर में रिजर्वेशन नहीं है। सच्चाई है कि कश्मीर में रिजर्वेशन एक्ट है जिसके तहत वहां कश्मीरी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है। कश्मीर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट टू एजुकेशन का प्रोविजन है जो सिर्फ स्कूल एजुकेशन नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक एक्सटेंड करता है। तो जितने भी लॉ मिनिस्टर ने और उससे पहले होम मिनिस्टर ने कश्मीर ये रेजोल्यूशन लाते हुए जो भी बेसिस बताए थे, जो कश्मीरियों के लिए कंसर्न जाहिर किए थे, वो दरअसल सारे मिथ्स हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन हैं जो कि क्रिएट किए गए पब्लिक स्टेटमेंट देने के लिए, पब्लिक सेंटिमेंट को मोल्ड करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कश्मीरियों को इससे क्या राइट्स मिले और क्या राइट्स नहीं मिले, ये यहां की आवाम के बहुत बड़ा डिस्कशन था भी। 370 का जिस तरह से सेलिब्रेशन हुआ और 370 को जिस तरह से मनाया गया वो अपने आप में कुछ और ही था। तो ये बात एस्टैब्लिश हो गई है कि 370 एब्रोगेट नहीं किया गया, 370 को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। 370 की वजह से पहले भी कश्मीर को कोई बहुत स्पेशल राइट्स मौजूद नहीं थे। दिल्ली में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपने एम्स के लिए, अपने पर्पसेस के लिए एक चैनल की तरह यूज करती थी। तो फिर इतना हंगामा क्यों? इसके साथ एक और प्रोविजन था जिसको खत्म किया गया आर्टिकल 35A। ये एक थोड़ा और सब्सटेंशियल प्रोविजन था जिसमें कश्मीरी रेजिडेंट्स को ये राइट, कश्मीर के अंदर कोई भी नॉन रेजिडेंट जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, कश्मीर के अंदर कोई नॉन रेजिडेंट अपना बिजनेस नहीं सेटअप कर, गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर सकता था। इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे जिनको एक्सेप्शन बताया गया कि ये इंडिया में डुअल लॉ का सिस्टम लेके आ रहा है, बताया गया कि इंडिया में दो कानून और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है जो कि पूरे इंडिया में मौजूद नहीं है। ये भी सच नहीं है, कश्मीर के लिए यकीनन आर्टिकल 35A में कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे, मगर वो स्पेशल प्रोविजंस हिंदुस्तान में और कई रियासतों के लिए भी मौजूद है। आप 371 देख लीजिए, नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजंस है जहां पे ना सिर्फ उनके रेजिडेंट्स को राइट है कि वो सिर्फ उनके रेजिडेंट्स को वहां की प्रॉपर्टी और जॉब्स राइट है, बल्कि नागालैंड के लिए जो प्रोविजन है वो कश्मीर से भी ज्यादा सख्त है। उसमें तो यहां तक है कि इंडिया का क्रिमिनल लॉ तक नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, वहां का कस्टमरी लॉ होगा और पार्लियामेंट का पास के अलावा कोई भी लॉ नागालैंड में नहीं अप्लाई हो सकता है जब तक नागा असेंबली उसे पास ना करे। उसके बाद भी वहां पे और ज्यादा फेडरलिज्म है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और काउंसिल लेवल के ऊपर है, वो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। और इस तरह के स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स, ऐसे कानून के सिर्फ स्टेट के रेजिडेंट्स यहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, उत्तराखंड में मौजूद है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है और कई स्टेट्स में लोकल रेजिडेंट्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशन मौजूद है। तो अपने आप में ये कोई अजूबा नहीं था कश्मीर के लिए जो आर्टिकल 35A को लाया गया था। तो कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल स्टेटस होना, एक एक्सेप्शनल स्टेटस होना, ये अपने आप में एक प्रोपेगेंडा है जिसे क्रिएट किया गया था। और क्योंकि ये प्रोपेगेंडा इतना आम हो गया था इसलिए बहुत आसानी से गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि हमने इसे रोल बैक कर दिया, जो चीज पहले से मौजूद नहीं थी उसको रोल बैक करने में कोई मेहनत भी नहीं। आर्टिकल 35 में एक सब्सटेंशियल चेंज है। अब इसमें भी अगर आप शुरू से देखिए इंडियन गवर्नमेंट का इंटेंट देखिए, स्टेट का इंटेंट देखिए, बाकी स्टेट्स के लिए जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 371 आप उठा के देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं कि नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, मेघालय के अंदर बाहर वाले जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बाहर वाले जाके गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। नागालैंड की असेंबली को जो पावर्स दिए गए हैं आर्टिकल 3